देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में अब तक की सबसे बड़ी खबर, अब तक के 242 सीटों के सर्वे में 174 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है। जो अनुमान है इंडी गठबंधन को सिर्फ 61 सीटें मिलने का अनुमान है। 9 राज्यों का ओपिनियन पोल आ चुका है जिनमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और केरल राज्य शामिल है। 242 सीटों के सर्वे में 174 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अनुमान के मुताबिक मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन भारी बढ़त की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस अनुमान में। न्यूज 18 पर एक बड़ा ओपिनियन पोल और इसमें एनडीए को जबरदस्त बढ़त दिखाई दे रही है। दो सौ 243 में से 242 सीटों का अनुमान और इसमें 174 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है, जबकि इंडी गठबंधन को महज 61 सीटें मिलती नजर आ रही है, 7 सीटें अन्य के खाते में। और अब तक की जितनी सीटों का अनुमान जाहिर किया गया है न्यूज 18 पर, उसमें इंडी गठबंधन को जबरदस्त झटका और एनडीए जबरदस्त बढ़त के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है इस सर्वे के मुताबिक। मोदी गारंटी की बात आप लोग रोज बताते हैं, पर हमारे प्रदेश में 2023 में मोदी जी आए थे, वो कह के गए थे कि 3000 रुपये बहनों को देंगे, 3100 रुपये धान का दाम देंगे, 2700 गेहूं का देंगे, 400 का गैस सिलेंडर देंगे, एक भी पूरा नहीं हुआ आज तक, चालू नहीं हुआ। ये 23 की है, जो इससे पहले 14 में कहा था 2 करोड़ रोजगार का मुद्दा तो आपने शायद लिया ही होगा मेरे ख्याल से, वो तो बेरोजगारी तो आप बता नहीं सकते। आरक्षण का कोटा देश में पहली बार बिहार में बढ़ा है, इसलिए जिनको वहाँ की पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं है वो ऐसा कह सकते हैं। हम विधानसभा में भी 90% सीटें जीतेंगे, लेकिन लोकसभा में हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे। In an opinion poll of CNN News 18, they have given 2 seats to NDA in the state of Kerala. How do you see this? No, I am more optimistic than the number 2. I can see very clearly that there is a very strong, huge undercurrent of voters that want NDA MPs. They are, you know, that there is a backdrop of how the state economy has been mismanaged and how the Supreme Court is having to say that please bail out the state. Plus, the people are aware of what the Congress MPs have done when they were in power. और देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 77 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है इस अनुमान के मुताबिक। उत्तर प्रदेश में एनडीए को सिर्फ 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है और बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और एनडीए को सबसे बड़ी बात यह है कि 57% से भी ज्यादा वोट इसमें मिलते दिखाई दे रहे हैं। इस अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को महज 26% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ी बढ़त इस बड़े राज्य में एनडीए बनाती दिखाई दे रही है। और ऐसे में जबकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है, 77 सीटें एनडीए के पाले में जाती दिखाई दे रही है और ये एक मजबूत बढ़त बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है। न्यूज 18 इंडिया के इस पोल में सबसे बड़े सर्वे में ये एक बड़ा आंकड़ा। देखिए उत्तर प्रदेश 77 नहीं, उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप है, 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे और कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, जिस तरीके से आपका न्यूज 18 ओपिनियन पोल अभी दर्शा रही थी हमने देखा, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जिस जगह का भी ओपिनियन पोल हमने देखा है वहां पे पूर्ण क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये विश्वास देश की जनता का है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद इंडिया गठबंधन बहुत अधिक मजबूत हो गया है। उत्तर प्रदेश में हमारा नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ। पूरे देश में सत्ता परिवर्तन का माहौल बन गया है।
देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में दक्षिण की बात करें तो तमिलनाडु में इंडी गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इंडी गठबंधन को 39 में से 30 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। इस अनुमान के मुताबिक एनडीए को 5 सीटें मिल सकती है। तमिलनाडु में एनडीए का वोट शेयर भी सबसे ज्यादा 51% दिखाई दे रहा है और एनडीए को 13% मत मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल में। और ये एक बड़ा सर्वे न्यूज 18 इंडिया पर, जिसमें कि तमिलनाडु में इंडी गठबंधन को 39 में से 30 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है और एनडीए को 5 सीटें मिल सकती है। खास बात यह है कि इंडी गठबंधन को यहां पर 50% से भी ज्यादा वोट मिल सकते हैं। All the hard work Modi ji has done for the empowerment, for the prosperity he has brought to our country, and 2024 will deliver historic results across our country. It's very clear that Modi ji, when he comes back to power for the historic third straight time, he is going to come back after crossing 400 seats NDA, and in Tamil Nadu also it will be a historic number. दुनिया के सबसे बड़े चुनाव से पहले न्यूज 18 नेटवर्क लाएगा देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 21 राज्य, 518 संसदीय सीट, 1,00,000 से ज्यादा लोगों की राय, देश की जनता से सीधा संवाद और उनकी राय। एक सबसे बड़ा पोल, 20 चैनल्स, 16 वेबसाइट्स पर। अब तक नहीं हुआ ऐसा ओपिनियन पोल। न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल आज शाम 6 से रात 10 बजे सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। आप में माहौल हो पाता है, क्यों नहीं एक जेन्युइन बात हो पाती है। मैं बता देता हूं, बीजेपी अपने, मैंने अभी जो लिस्ट को देखा है, बीजेपी अपने तीन 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 फॉर्मर सीएम्स को चुनाव लड़वा रही है। देखिए, मनोहर खट्टर, बसवराज बोमई कर्नाटक में लड़ रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड हरिद्वार से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तराखंड में दो ही सीटों का घोषित हुआ है, दो में एक दो, हाँ, दो में अनिल बलूनी है। हाँ। तो दोनों ही वीआईपी सीट हो गई, हरिद्वार भी हो गई और पौड़ी भी हो गई। तो पौड़ी से अनिल बलूनी है और साथ ही साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत को जगह सीट मिली है हरिद्वार की। और शंकर लालवानी को इंदौर से चुनाव लड़वा रही है भारतीय जनता पार्टी। शंकर लालवानी पर और छिंदवाड़ा पे भी बीजेपी ने कैंडिडेट दे दिया है, जो मेरे पास जानकारी आ रही है। छिंदवाड़ा से कैंडिडेट को उतारा गया है, बंटी कैंडिडेट को उतारा गया है। जीतू पटवारी, छिंदवाड़ा के कैंडिडेट पे आप रिएक्ट करना चाहेंगे और शंकर लालवानी पे खासतौर पर, क्योंकि आप भी उसी बेल्ट से आते हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बीजेपी ने उम्मीदवार दिए होंगे, वो उनका अपना जुडिक्शन है।